बरसात भारी बरसात के कारण ग्राम सभा कमद में बहुत ही नुकसान हुआ है और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सुंदरलाल जी का यहाँ पे मकान था और उनका पूरा मकान जो है पूरा ढह गया है। इनके सरिया भी आप देख सकते हैं, उनका यहाँ पे काम भी चल रहा था मकान का। और पूरा गांव का जो रास्ता है मुख्य मार्ग, यहाँ से तमाम लोगों के सामान जाते हैं घर का, अब लोगों को बहुत घूम के आना पड़ रहा है। और इससे जो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ भी उखड़ गए हैं और पेड़ उखड़ने के कगार पर भी हैं। आप ये देखिए कि अगर थोड़ा भी बरसात होती है तो पूरा जो जो ऊपर के मकान है, डिमरी जी का मकान वहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ है, वो भी जो है नीचे आने को पूरा, अगर बारिश होती है तो उनका मकान भी, मकान को बहुत खतरा है। तो मैं आज सुबह जिलाधिकारी महोदय से भी मिला था और मैंने उनसे आग्रह किया था कि कमद में भारी नुकसान हुआ है, धोत्री में नुकसान हुआ है और तमाम जगह पे गाजना क्षेत्र में बहुत जगह नुकसान हुआ है। तो आप, उन्होंने टीम भेजी थी यहाँ पे, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने जो है इसकी जांच की है और शीघ्र जो है इसके उपचार के लिए जिलाधिकारी से मैंने आग्रह किया है कि आप तत्काल धनराशि अवमुक्त कीजिए। और क्योंकि लोगों को सबसे पहली प्राथमिकता है कि लोगों को खतरे से कैसे बचाया जाए। आप देख सकते हैं नीचे दुकानें हैं, नीचे ये हमारा मुख्य मार्ग है और वहाँ पर भी लोगों को, दुकानों को खतरा है, आबादी को भी खतरा है और मार्केट को भी पूरा खतरा है। तो इसके जो है, इसका ट्रीटमेंट किया जाना बहुत नितांत आवश्यक है। इसके लिए हमने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि तत्काल इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। 27 तारीख को अत्यधिक वर्षा होने के कारण रात को 10 बजे ये घटना यहाँ पर हुई है, जिससे कि जो हमारा ग्राम पंचायत कमद का जो मुख्य संपर्क मार्ग है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो गए हैं और हम लोगों को बहुत दूर से जो है अपने घरों को जाना पड़ रहा है। और साथ में जो इस जो यहाँ पर जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ है उसके ऊपर जो निकट घर हैं उनको भी एक खतरा पैदा हो गया है। उसके पीछे 4-5 जो गाँव घर हैं उनके यहाँ जो है जो खलियान है उन पर दरारें पड़ चुकी है और हमारा जो जो ये मुख्य मार्ग है, हम लोग जो है रात को जो बड़ा कष्ट से जी रहे हैं। हम लोग जो है रात को सो नहीं पा रहे हैं कि कब कुछ घटना हो जाए। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि समय पर इस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाना बहुत सुनिश्चित करें और जिससे हम लोगों को रास्ता का और तमाम जो हमारे जो मवेशी है वो भी घरों के अंदर हैं उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं है। मेरा प्रशासन से विशेष निवेदन है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेकर के जो हमें रास्ता और तमाम ये जो मकानों को कहीं पर सुनिश्चित उपचार करने की महान कृपा करें। धन्यवाद। हमारे ये मैं गरीब हरजन हूँ, सुंदर लाल है, बहुत गरीब से गरीब, बड़े मुश्किल से मकान बनाया था लेकिन ऊपर से जो है सारे रास्ते गांव वाले के रास्ते भी, मेरे मकान भी वहां पर जो है, मेरे तख्त थे, सिमर थे, सरिया थे, जो भी था वो सारे जो है दब गए साहब। लेकिन थोड़ा जो है मैं भी गरीब आदमी साहब, खड़ा नहीं उठ पा रहा साहब, जो भी है हो सकेगा मेरे भी कुछ साफ ध्यान रखना, बड़े हाथ जोड़ की बात है, बड़ी कृपा करेंगे साहब मेरे ऊपर से, कुछ न कुछ कृपा करें सरकार। आप हमारे माँ बाप है साहब, आप हमारे साथ कृपा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन बच्चे छोटे छोटे साहब, वो खाने के भी कोई गरीब अनुसूचित जाति के हरजन भाई हूँ मैं, गरीब आदमी। जय हिंद भाई जी, मेरे ऊपर कृपा करें सरकार साहब। हमारा बंद है, पशु ग्रह सब बंद हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक, आना जाना मेरा बंद हो रखा है। कारण क्या? रास्ता टूट गया वहाँ पर, ठीक, बस थोड़ा एक शब्द में बोलना। सारा रास्ता धसा हुआ है, नीचे से खोखला हो रखा है, और अगर ये रास्ता टूट गया तो समझो कि ये पिछले साल का घटना ही सारा आएगा, पूरा गधेरे में आएगा, बाथरूम सर फटेगी। ठीक है, ड्राइवर को बोल दे, आईडी भेज देगा।